और आज यात्रा कोलाना से शुरू होगी। दोपहर बाद यात्रा अलवर में प्रवेश करेगी। अलवर के मालाखेड़ा में आम जनसभा का आयोजन किया गया। यहाँ पर जनसभा का आज की यात्रा के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई। आज है यात्रा का 14वां दिन। आज यात्रा कोलाना से शुरू होगी। दोपहर बाद यात्रा अलवर में प्रवेश करेगी। अलवर के मालाखेड़ा में आम जनसभा का आयोजन किया गया है और इस सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस सभा में शामिल होंगे। तो 14वां दिन है आज यात्रा का और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब यात्रा की शुरुआत होगी। अब से कुछ देर का वक्त बताया जा रहा है जब यात्रा की शुरुआत हो जाएगी राजस्थान में। 14वां दिन है यात्रा का और आज यात्रा कोलाना से शुरू होगी। दोपहर बाद यात्रा करेगी अलवर में प्रवेश, जहां पर आम जनसभा का आयोजन किया गया मालाखेड़ा में और इस जनसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सभा में शामिल होंगे। ये जानकारी सामने आ रही है। तो कोलाना से यात्रा की शुरुआत होगी और आपको जानकारी दें कि जैसे जैसे यात्रा जो है आगे बढ़ेगी, जानकारी ये मिल रही है कि एक आम सभा का आयोजन भी किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे और उस सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। ये हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो यात्रा का 14वां दिन है। लगातार यात्रा जो है अलग अलग जिलों में पहुंच रही है, लोगों से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं राहुल गांधी और बड़ी संख्या में लोग राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं। चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे दिव्यांग हों, हर कोई राहुल गांधी से मिलता है, अपनी बातें रखता है और अपनी परेशानी राहुल गांधी के सामने उनसे साझा करता है। और तस्वीरें वो भी आती हैं जब राहुल गांधी तुरंत समस्या का समाधान करने के लिए निर्देशित कर देते हैं। तमाम जो अधिकारी उनके साथ उस वक्त मौजूद रहते हैं। सहयोगी लक्ष्मी अवतार इसी खबर पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी का मैं रुख करूंगी, जो कि लगातार जानकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहकर साझा कर रहे हैं, तस्वीर भी दिखा रहे हैं, एक एक जानकारी। लक्ष्मी, मैं आपके पास आ रही हूं। आज यात्रा कोलाना से शुरू होगी, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, कितना वक्त और लगेगा यात्रा शुरू होने में और कौन कौन इस यात्रा में आज राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते नजर आएगा? जी मनी, देखिए आज जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी की, वह दौसा के बांदीकू विधानसभा क्षेत्र के कोलाना से यहाँ कुछ ही देर में प्रारंभ होने वाली है। राहुल गांधी यहाँ अभी कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। जो यात्रा का हुजूम है वो धीरे धीरे यहाँ जुटने लग गया है, लोग यहाँ आने लग गए हैं। साथ ही जो प्रशासनिक व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, वो भी दुरुस्त हो गई है। कुछ ही देर में जो यात्रा है वो यहाँ से प्रारंभ होगी। राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, जयराम रमेश, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के पवन खेड़ा सहित कई ऐसे नेता हैं जो यहां मौजूद हैं, जो राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में कदम ताल करेंगे। लगातार यात्रा जारी है। दौसा जिले में इस यात्रा ने 14 दिसंबर को सायंकाल प्रवेश किया था और उसके बाद भी ये यात्रा लालसोट विधानसभा क्षेत्र होते हुए दौसा पहुंची है और दौसा से ये यात्रा कल सिकराई विधानसभा क्षेत्र में इसने प्रवेश किया था। सिकराई विधानसभा क्षेत्र में कल से ये शुरू हुई थी और आज ये सायंकाल जो रात्रि पड़ाव था इस यात्रा का, वो बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में रहा, मुकुरपुरा चौराहे पर। लेकिन सबसे बड़ी खास बात इस यात्रा में जो देखने को मिल रही है वो ये है कि लगातार जो लोगों का हुजूम है इस यात्रा में बढ़ता जा रहा है, लोगों का जो कारवा है वो लगातार इस यात्रा की तरफ बढ़ता जा रहा है। लोग काफ़ी उत्साहित इस यात्रा को लेकर है और लोगों में एक अच्छा जुनून सा इस यात्रा को लेकर नजर आ रहा है। कह सकते हैं कि राजस्थान में इस यात्रा को काफ़ी समर्थन मिला है, ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया। लेकिन इस बार जो इस राहुल गांधी की यात्रा, इसका राजस्थान में काफ़ी अच्छा एक प्रभाव सा नज़र आ रहा है। परिणाम क्या होगा ये समय तय करेगा, लेकिन फिलहाल जो लोगों का हुजूम है वो उमड़ा हुआ है, लोग काफ़ी उत्साहित इस यात्रा को लेकर। कुछ ही देर में राहुल गांधी अपने कैंप से निकलकर इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे। आज सबसे बड़ी बात यह है कि यह यात्रा अलवर दौसा जिले से निकलकर अलवर जिले में इस यात्रा का प्रवेश होगा और मालाखेड़ा के अंदर एक बड़ी आम सभा का भी आयोजन होगा, जहां राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई नेता हैं उस यात्रा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ कुछ स्थानीय ऐसे लोग हैं जो इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं किस तरह का जुनून आप लोगों में इस यात्रा को लेकर है, आपके क्षेत्र में ये यात्रा लगातार जारी है, क्या कहेंगे आप? देखो, हमारे क्षेत्र में जो
राहुल गांधी जी की यात्रा जारी है। एक ऐतिहासिक यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली है और ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि ऐसी यात्रा हमारे संज्ञान में या हमारे जीवन काल में हमने सिर्फ श्री रामचंद्र जी की सुनी है, इसके अलावा आज तक ऐसी कोई यात्रा आज तक प्रारंभ नहीं। आपने बड़े एक अच्छा मूवमेंट अपने सिर पे लगा रखा है राहुल गांधी को लेके। देखो ये मेरा शुरू से शौक रहा है, कांग्रेस पार्टी के जब भी कोई बड़े लीडर्स आते हैं या कुछ बदलाव की और संकेत देना चाहते हैं देश की जनता को, और हमने इस तरह के मूवमेंट मोमेंटो और किटआउट्स ताकि एक आकर्षण का केंद्र बने, लोगों में एक उत्साह जागृत हो। हमारे साथ और भी लोग हैं, कैसा उत्साह आप लोगों में लग रहा है इस यात्रा को लेकर? इस यात्रा को लेकर उत्साह इतना है कि देश में वापस राम राज्य आने की स्थिति बन रही है। इतनी बड़ी सोच राहुल जी के लिए, मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि राहुल जी ऐसा काम कर पाएंगे, क्योंकि एक राजा का बेटा कभी सड़क पे नहीं चला और आज वो देश को कदमों से नाप रहा है, तो ये उनकी बहुत बड़ी सोच है और यही सोच वापस भारत को आज वही 100 साल पीछे लेके जाएगी। भारत वापस एक भय की और नफरत की जो राजनीति देश में चल रही है वो पूरी मिटने के कगार पे है। हम में भरोसा है कि राहुल जी वापस देश का नेतृत्व संभालेंगे। इस यात्रा के बाद में आमूलचूल परिवर्तन देश को देखने को मिलेगा। देखिए जो यात्री हैं वो उनका कहना है कि अब ऐसा लग रहा है राम राज्य की तरफ यात्रा बढ़ रही है, कहीं ना कहीं देश में वापस से राम राज्य स्थापित होगा। लगातार जो यात्री हैं वो इससे यात्रा से जुड़ते जा रहे हैं। हम और भी जो यात्री हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आप बताइए, आप बांदीकुई क्षेत्र से आते हैं, स्थानीय है, किस तरह का लोकल क्षेत्र में यहाँ पे जो जुनून है वो यहाँ नजर आ रहा है? यहाँ का जुनून को आप देख सकते हो, जिस तरह से राहुल जी की यात्रा को लेकर के जो हुजूम उमड़ पड़ा है, जो रात को भी देखा परसों भी देखा, ये समझो ये यात्रा एक इतिहास रचने जा रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता मोदी जी जो कहते थे राहुल जी के बारे में, यात्रा को देख के तरह तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं, और इस यात्रा से पूरे देश के अंदर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये इतिहास बन रहा है। लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर आ रहे हैं और राहुल जी को देखने के लिए उत्सुक हैं, और राहुल जी जो मिशन को लेकर के चल रहे हैं भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये मैं समझता हूँ अपने आप में ऐतिहासिक है और आने वाला समय में इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है राजनीति क्षेत्र में। कांग्रेस पार्टी पुनः सत्ता में लौटेगी 2024 में। देखिए आप लोगों में इस यात्रा को लेकर काफी उत्साह है, लोगों का कहना है कि जिस तरीके से उसके चलते उन्होंने एक पैदल ये यात्रा शुरू की और निश्चित रूप से इस यात्रा का उन्हें लाभ, कांग्रेसियों का मान इस यात्रा लाभ कितना होगा ये इन फ्यूचर में सामने आएगा देगी, लेकिन फिलहाल जो है वो कांग्रेसी काफी उत्साह को लेकर में ये जरूर कह सकते हैं कि इस यात्रा को राजस्थान में जो अपार जन समर्थन मिल रहा है वो इस यात्रा को देख के अंदाजा लगाया सकता है कि जिस तरीके से लाखों की तादाद में इस यात्रा से लोग जुड़ रहे हैं, इस यात्रा से नजर आ रहे हैं। खासकर दौसा जिले में इस यात्रा ने इतिहास सा रच दिया। लालसोट क्षेत्र से ये यात्रा शुरू हुई और दौसा, लालसोट विधानसभा, दौसा विधानसभा, सिकराय विधानसभा और आज बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में यात्रा है। इस यात्रा के दौरान बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो जुड़ते गए, एक बड़ा हुजूम इस यात्रा में नजर आया है। खासकर दौसा जिले में जो युवा वर्ग है वो इस यात्रा से बड़ी तादाद में जुड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर जो कहीं कहीं ये कह सकते हैं कि जो यात्रा है वो बड़ा ही, और भी हमारे साथ यात्री है के अंदर है, बहुत ही उत्साह है हमारे अंदर। मैं झालावाड़ से चल रहा हूँ, चौली से। लक्ष्मी लगता है टेक्निकल इश्यूज सामने आ रहे हैं, आपका जो फ्रेम है बार बार जो है ब्रेक हो रहा है, हम लौटेंगे आपके पास। तो देखिए जानकारी लगातार जो है सहयोगी लक्ष्मी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और उन्होंने वहां पर मौजूद जो लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं राहुल गांधी के आने का, इंतज़ार कर रहे हैं यात्रा को शुरू होने का, और उन लोगों से बातचीत की सहयोगी लक्ष्मी ने और पूछा उनसे कि आखिर क्यों जुड़े हैं इस यात्रा से, राहुल गांधी के साथ इस यात्रा से क्यों कदम ताल कर रहे हैं। तो कहा गया है कि यात्रा का जो उद्देश्य है
जनता के साथ जुड़ना मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जनता के बीच पहुंच रहे हैं, आम जनता के साथ जो है बातचीत कर रहे हैं, संवाद बिठा रहे हैं। और जैसे कि पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो टकराव की स्थिति देश में देखी जा रही है उसको खत्म करना, ये भी इस यात्रा का मकसद, भारत जोड़ो यात्रा का। और इसी मकसद से, इसी उद्देश्य के साथ जो है लोग जुड़ रहे हैं राहुल गांधी के साथ और बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और अब से कुछ देर का वक्त जब ये यात्रा फिर से यहाँ पर जो है शुरू हो जाएगी, कुछ देर का वक्त बताया जा रहा है। और जैसे कि जानकारी मैं साझा कर रही हूँ दर्शकों के साथ कि जब ये यात्रा करेगी अलवर में प्रवेश, तो मालाखेड़ा में आम सभा का दरअसल आयोजन किया गया है। उस सभा में न केवल बड़ी संख्या में लोग पहुँचेंगे राहुल गांधी को सुनने के लिए, बल्कि आपको जानकारी दे दें कि उस आम सभा में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि इस यात्रा में मल्लिकार्जुन खड़गे तो शामिल होंगे होंगे, इसके अलावा पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो भी शामिल होंगे। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं जब जब यात्रा निकलती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नज़र आते हैं राहुल गांधी के साथ में, हम देखते हैं कि सचिन पायलट नज़र आते हैं, हम देखते हैं गोविंद सिंह डोटासरा, जिनकी ओर से कहा गया था शुरुआत में ही कि राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर तय कर रहे हैं, तो क्या मैं राजस्थान में उनके साथ जो है कदम ताल नहीं कर सकता, और जहां जहां ये यात्रा गुजरेगी वहां वहां मैं मौजूद रहूंगा, ये गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से कहा गया था। इसके अलावा पवन खेड़ा भी शामिल होंगे, ये जानकारी सामने हो रही है। 14वां दिन है आज यात्रा का और एक एक तस्वीर आप जी राजस्थान पर लगातार देख रहे हैं, हम एक एक जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी हर जिले से जुड़े और ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे, एक एक तस्वीर जो है दर्शकों तक उन्होंने दर्शकों को दिखाई, जानकारी साझा की। और देखिए बड़ी बात यह है कि इस यात्रा में महिलाएं पुरुष बच्चे जुड़ रहे हैं, लेकिन युवा जो हैं वो बहुत बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं इस यात्रा में। दौसा का जिक्र कर रहे थे लक्ष्मी कि दौसा में अपार जनसैलाब हमने देखा और किस तरीके से यहाँ राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे और समर्थन, अपार जन समर्थन उस यात्रा को मिलता हुआ नजर आया था। एक बार फिर से सहयोगी लक्ष्मी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। लक्ष्मी जैसे कि जानकारी आप साझा कर रहे हैं कि पवन खेड़ा इस यात्रा में शामिल होंगे, सीएम अशोक गहलोत शामिल होंगे, 6:10 हो चले हैं, कितना वक्त और लगेगा यात्रा शुरू होने में? जी मनी देखिए, यात्रा जो है वो प्रारंभ कर दी गई है, राहुल गांधी यात्रा में आ गए हैं और यात्रा दौसा जिले के बांदकी विधानसभा क्षेत्र के कोलाना गांव के यहां से यात्रा ये प्रारंभ हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी हुजूम है और ये जो यात्री हैं वो इस यात्रा में लगातार जुड़ते जा रहे हैं। आप कहां से चल रहे हैं, कब से चल रहे हैं? मैं मध्य प्रदेश की चौली बॉर्डर से चल रहा हूं और यात्रा राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो जो यात्रा है बड़ी ऐतिहासिक है। और कल मैं मुझे भी मौका मिला राहुल गांधी जी से मिलने का और उन्होंने बहुत ही सौम्यता से और मधुर बातों से मेरे से चर्चा की और निश्चित रूप से उनको जो मैंने जो सुझाव दिए संगठन को लेकर कि हम जो कॉरवोट बैंक है कांग्रेस का, जो आदिवासी दलित किसान घुमंतु समुदाय के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके सोनिया गांधी तक और यूपीए गवर्नमेंट तक जो स्कीम्स थी उन योजनाओं के बारे में उनको बताया और उन्होंने निश्चित रूप से ये कहा कि जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने खत्म किया था, जो हैबिचुअल ऑफेंडर जो कानून है उसको जल्द हमारी सरकार आएगी तो हम इसको खत्म करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो 2014 का मैनिफेस्टो बना था उसमें भी ये घोषणा की थी। तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कल मेरे को सुना, 10 से 15 मिनट दिया, उनके साथ वॉक करने का मौका मिला और बहुत ही नेक इंसान है जो भारत के वास्तव में जो उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से जो राहुल गांधी है वो सभी वर्गों को साधने का प्रयास कर रहे हैं, खासकर युवा इस यात्रा से काफ़ी जुड़ रहा है। कितना युवाओं में उत्साह इस यात्रा को लेकर? इस यात्रा को लेकर युवाओं में काफ़ी उत्साह है, बढ़ चढ़ के युवा इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। राहुल गांधी जी के जो देश में अलग जगह रहे हैं, इस नफरत को मिटाने के लिए जो बीजेपी ने फैला रखी है उसको मिटाने के लिए राहुल गांधी जो यात्रा पर निकले हैं उसको युवाओं को काफ़ी समर्थन मिल रहा है और ये जन आंदोलन आगामी चुनाव में आपको एक बड़े रूप में देखने को मिलेगा और इस नफरत की राजनीति को जो बीजेपी फैला रही है इसको मिटा कर दम लेंगे। अच्छा लक्ष्मी से पूछिए, बीजेपी तो कह रही है कि भाई भारत टूटा कब था जो राहुल गांधी जोड़ने चले हैं, ये सवाल करिए इनसे। क्या मैंने दोबारा फिर से लक्ष्मी से ये पूछिए क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ युवा शामिल हो रहे हैं और आप जिनसे बातचीत कर रहे हैं उनसे सवाल करिए कि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि भाई भारत टूटा ही कब था कि राहुल गांधी जोड़ने चले इस यात्रा के जरिए। आप युवा हैं, इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, आपने कहा कि बीजेपी भारत
कांग्रेस भारत जोड़ने की बात की, लेकिन भाजपा ये कह रहे हैं कि भारत टूटा ही कब था। ये भाजपा है जो जो एजेंसियों का दुरुपयोग करके जो डराने का काम कर रही है, लोगों में नफरत पैदा करने का काम कर रही है। भारत टूटने के, भारत टूटा कब था? भारत देश में नफरत फैलेगी तो भारत टूटेगा। आप सब में धर्मवाद जातिवाद ये बढ़ेंगे तो उसमें नफरत टूटेगी, तो वो भारत टूटने का ही हो गया काम। देखिए मनी, कल इस यात्रा के दौरान एक बड़ा ही रोचक वाक्य सामने आया था, जहां एक संत से राहुल गांधी ने मुलाकात की थी, और उस दौरान उस संत जब राहुल गांधी से मिलके बाहर आए तो संत ने कहा था कि राहुल गांधी ने इस बात को लेकर चर्चा की कि संत समुदाय कांग्रेस से कैसे जुड़े। हालांकि जो संत थे उन्होंने राहुल गांधी को कुछ सलाह मशवरा भी दिया, उन्होंने हालांकि वो ये बाहर उजागर नहीं किया कि किस तरह के संत समुदाय को जोड़ा जा सकता है, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा संत सामुदायिक संतों का जो सम्मेलन है वो आयोजित किया जा सकता है संतों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए। फिलहाल जो मकसद है वो अलग अलग है, लेकिन कांग्रेस ही इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। वो इस बात से उत्साहित है कि हमारे साथ और भी युवा हैं। किस तरीके का आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है इस तरीके की भारत जोड़ो यात्रा में सबको एक साथ एक संदेश जा रहा है पूरे देश में कि सब भाइयों को भाईचारे की भावना से सबको जुड़ना है और इस तरीके से आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम मकसद पूरा होगा या नहीं होगा वो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल कम से कम ये कह सकते हैं कि हेल्थ के हिसाब से ये पैदल यात्रा हेल्थ के हिसाब से भी और देश के हिसाब से भी ये बहुत सेहतमंद है। इससे पूरे देश की सेवा करने का और एक तरीके से जो राहुल गांधी जी ने जुनून दिखाया वो काबिले तारीफ है। देखिए मनी, यात्रा का मकसद पूरा होगा या नहीं होगा, कितना होगा ये इन फ्यूचर में सामने आएगा, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि कम से कम जो लोग पैदल इस यात्रा में चल रहे हैं उनको स्वास्थ्य लाभ तो निश्चित रूप से होने वाला है और कहीं ना कहीं उनकी जो दिनचर्या है उसमें भी सुधार आएगा। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस इस यात्रा में कितनी सफल होगी, क्या इसका परिणाम है। हालांकि जो भाजपा है वो भी लगातार इस यात्रा को लेकर कई तरह के बयान या काउंटर कर रही है, और कांग्रेस द्वारा भी भाजपा की जन आक्रोश रैली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल दोनों ही दल अपने अपनी बात कर रहे हैं, किसकी बात सही है किसकी गलत, किसके जहन में जनता के ये बात उतरेगी और किसके नहीं, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन फिलहाल जो यात्रा है वो अलवर जिले की तरफ बढ़ती जा रही है, जो कारवा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दौसा ज़िले में इस यात्रा को ऐतिहासिक कह सकते हैं, जहाँ राहुल गांधी की इस यात्रा को जन समर्थन मिला और बड़े ही उत्साह के साथ लोग चल रहे हैं। कहाँ से चल रहे हैं आप इस यात्रा में, कितना जुनून है? बहुत अच्छा जुनून है मेरा और मैं काफ़ी 20 किलोमीटर से चल रहा हूँ। देखिए आप, सर्दी है, तापमान काफ़ी कम है, ठिठुरन है, उसके बावजूद भी लोग इस यात्रा में लगातार जुड़े हुए हैं। नियत समय पर यात्रा शुरू हो रही है, सुबह काफ़ी जल्दी है यात्रा शुरू हो जाती है, ठंड का मौसम है। कितना कितना जुनून? बहुत अच्छा जुनून है सर यात्रा का। आप लोगों को इसका मकसद, इसका मकसद हमारी पूरा होगा, राहुल जी का एकदम मकसद पूरा होगा सर। आप बताइए, आप बताइए। यात्रा का ऐसा जुनून है कि लोग सुबह 5 बजे उठने के बाद में जो उनकी दिनचर्या आए हैं उनके स्वास्थ्य में भी लाभ हो रहा है। हम 400 किलोमीटर चलने के बाद में मैं कोटा से आया हूँ, उसके बाद में पेट लोखंड के हो गए। स्वास्थ्य में तो लाभ हो रहा है, लेकिन ये लगता है कि कहीं जो जिस मकसद से यात्रा की वो पूरी होगी या फिर स्वास्थ्य तक ही सीमित रहेगी? नहीं नहीं, स्वास्थ्य तक नहीं सीमित रहेगी, जो माहौल जो पैदा हो रहा पूरे पूरे इंडिया में हम बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। देखिए कांग्रेसियों में इस यात्रा को लेकर इतना जुनून है कि उनका कहना है कि जो देश में माहौल हो रहा है और आने वाले समय में जो भाजपा की सरकार है उसे हम उखाड़ेंगे। उखाड़ पाएंगे या नहीं उखाड़ पाएंगे ये जनता के साथ सामने आएगा, लेकिन फिलहाल जो है उत्साह वो इनका बरकरार है और उत्साह के साथ ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। यात्रा में क्या होने वाला है कुछ कहानी ऐसा, हमारे साथ एक महिला यात्री उनसे भी बात करते हैं। कितना उत्साह आप लोगों में यात्रा को लेकर है? जी अथा समूह उमड़ रहा है और बहुत ही उत्साह है इस यात्रा को लेकर के। क्योंकि चल रहे हैं आप, कब से चल रहे हैं? मैं झालावाड़ से संभाल रही हूँ, पूरा फूड का साहब भैया जी को दे रखा है, उसका मैनेजमेंट टीम का पूरा मैं यहाँ पे संभाल रही हूँ, पूरा झालावाड़ से एंड तक का। देखिए मनी, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से और देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं।
सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं भी बड़ी तादाद में राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में कदम ताल करती नजर आई है दौसा जिले में। खासकर जो सिकराई क्षेत्र से कल यात्रा रवाना हुई थी वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी हजारों की तादाद में महिलाएं इस यात्रा में शामिल हुई थी। फिलहाल जो यात्रा है वो बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में जा रही है। जो कांग्रेस से विधायक जीआर खटाना का क्षेत्र है और सचिन पायलट गुट के वो माने जाते हैं, ऐसे में सचिन पायलट भी बड़ा हमारा और भी महिलाएं हैं। किस तरह का उत्साह आप लोगों को इस यात्रा में लेकर? हम राहुल जी के साथ कदम से कदम मिला के भारत को जोड़ने की जो उनकी कामना है उसमें उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ आए हैं। कहाँ से चल रहे हैं आप, कितना चल? हम पाली जिले से आए हैं, हम महिलाओं के साथ चले हैं, महिलाओं के साथ चले हैं, हम पाली जिले की यात्रा पे चले हैं और हम कंटिन्यूस उनके साथ चल रहे हैं। राहुल गांधी ने इस यात्रा में तीन मुद्दे रखे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और नफरत डर। कहीं ना कहीं महंगाई जो मुद्दा है वो महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि घर महिलाएं चलाती हैं। महंगाई पुरुषों के लिए भी इतनी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कमाने वाले हैं, उन्हें पता है कि घर में ला के वो देंगे तभी महिलाएं घर चला पाएंगी, तो इसलिए ये सबका मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको यात्रा में शामिल होकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हम बाली से हैं, महिला के साथ आए हैं, जिलाध्यक्ष सुरेश जी सांगला के साथ आए हैं और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, महिलाएं जो राजस्थान के अलग अलग जिलों से इस यात्रा में शामिल हो रही हैं क्योंकि राजस्थान में यह यात्रा जो 6 से 7 जिलों को होकर निकली है, ऐसे में प्रदेश के जो अलग अलग जिले हैं वहाँ से ये लोग इस यात्रा में शामिल होने के लिए दौसा ज़िले में आए और दौसा ज़िले में ये यात्रा में शामिल होकर अपना जो कांग्रेस के प्रति जो इनका एक दायित्व या सोच है उसको ये निभाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जो यात्री हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत शांत। लक्ष्मी आपके वॉइस ब्रेक हो गई मुझे लग रहा है, टेक्निकल इशू फिर से सामने आया है, मैं दुरुस्त कराती हूँ, लौटूंगी आपके पास। लक्ष्मी आप बातचीत करते रहिएगा, लेकिन तस्वीरें देखिए, ये ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देखिए आपको युवा ही युवा इन तस्वीरों में नजर आएंगे, इस यात्रा में नजर आएंगे क्योंकि अपार जनसैलाब जो है इस यात्रा में उमड़ रहा है, बड़े संख्या में जो लोग हैं बढ़ चढ़कर इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे कि युवा ही युवा, महिलाएं नजर आएंगी, पुरुष नजर आएंगे, बच्चे तो नजर आ ही रहे हैं, बच्चे काफी एक्साइटेड है राहुल गांधी से मिलकर और बच्चों से भी राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं। और देखिए जैसे कि अभी बातचीत कर रहे थे सहयोगी तो एक व्यक्ति ने बताया कि राहुल गांधी के सामने उन्होंने तमाम जो चीजें हैं वो रखी और कहा गया कि तुरंत राहुल गांधी ने उन बातों को सुना और समाधान के निर्देश उनकी ओर से लगातार दिए जाते हैं। जब जब व्यक्ति अपनी परेशानी लेकर राहुल गांधी के सामने पहुंचता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे दिव्यांग हो। एक बार फिर से लक्ष्मी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी अपनी बात पूरी कीजिए और आप बातचीत कर रहे थे उन तमाम लोगों से, सवाल करते रहिए। लक्ष्मी सुन पा रहे हैं? जी मनी। अच्छा लक्ष्मी मैं देख पा रही हूँ जैसे कि आप उन तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कुल मिलाकर ये कि लोगों का एक सुर में यही कहना है कि राहुल गांधी भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं, जो टकराव की स्थिति हम देख रहे हैं देश में उसको खत्म करना इस यात्रा का उद्देश्य है और इसी से वो जुड़ाव महसूस करते हैं और इसी के चलते मैं देख रही हूँ झालावाड़ से लोग पहुँच रहे हैं, मैं देख रही हूँ पाली से लोग पहुँच रहे हैं और तमाम जिलों से लोग जो है इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अच्छा ये बताइए लक्ष्मी, क्योंकि आप सचिन पायलट के यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, क्या सचिन पायलट इस यात्रा में शामिल है? जी बिल्कुल मनी, देखिए जो सचिन पायलट है जब से इस यात्रा ने राजस्थान में प्रवेश किया था तब से सचिन पायलट खुद लगातार राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते आ रहे हैं। दौसा ज़िले में जब 14 दिसंबर को यात्रा ने प्रवेश किया था तो सचिन पायलट तब से ही इस यात्रा में लगातार पूरे ज़िले में कदम ताल करते आ रहे हैं और फिलहाल अभी भी है जो सचिन पायलट वो इस यात्रा में लगातार बने हुए हैं राहुल गांधी के साथ। दौसा ज़िला उनका गढ़ है, उनका क्षेत्र है, ऐसे में सचिन पायलट को भी उम्मीद थी कि दौसा ज़िले में जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उसका एक बड़ा स्वागत होगा, अपार जन समर्थन मिलेगा और वो हुआ भी कि लोगों का हुजूम सा था वो इस दौसा ज़िले में देखने को मिला। इस यात्रा के दौरान जो लगातार यात्री थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे और अभी भी जो हुजूम है वो यहाँ से दौसा ज़िले से रवाना हुआ है और अलवर ज़िले की तरफ ये यात्रा बढ़ रही है। करीब उम्मीद है कि
10 बजे के आसपास ये यात्रा अलवर जिले में पहुंच जाएगी। जो सुरेर है राजगढ़ क्षेत्र है वहाँ इस यात्रा का लंच ब्रेक होगा और उसके बाद में इस यात्रा को आज यहीं समाप्त किया जाएगा और वो गाड़ियों में बैठकर फिर मालाखेड़ा पहुंचेंगे जहां पे कांग्रेस की एक बड़ी आम सभा होगी। ठीक है, लक्ष्मी कुलाना से यात्रा की शुरुआत हुई है, मालाखेड़ा में पहुंचेगी, वहां पर जनसभा का आयोजन किया गया और उस जनसभा में शामिल होंगे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे।